नमस्कार, जय जय सियाराम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। हम हैं अभी अपने रात्रि विश्राम स्थल पर, बाबा काली कमली वाला जो धर्मशाला है उस धर्मशाला के पास हैं। यहाँ के रुद्रनाथ जी का मंदिर है, जो हमने आपको पिछले वीडियो में दर्शन करा दिया है कि किस तरह से जो है उस मंदिर का दर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है, तो अगर आप रुद्रप्रयाग में रुकने का स्थान देख रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट स्थान होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ही नज़दीक नारद शिला, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम प्राप्त हो जाएगा। अब हम यहाँ से कोटेश्वर महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं, तो यहीं से लगभग 3.5 किलोमीटर है, तो ये रास्ता है। यहाँ से अगर आप जाएंगे तो 3.5 किलोमीटर का रास्ता है। हम आपको अब यहाँ से कोटेश्वर महादेव मंदिर ले चलते हैं। हम पैदल जाने वाले हैं, रास्ते में अगर कुछ विशेष प्राप्त होगा तो हम आपको दर्शन अवश्य कराएंगे। चलते चलते हमने लगभग जो है आधी दूरी तय कर ली है। यह अलकनंदा का प्रवाह, यहीं से अलकनंदा जो है आ रही है और संगम की ओर जाएगी। बहुत ही आनंददायी रास्ता है, पहाड़ों पे चढ़ना, पहाड़ों से उतरना, फिर पहाड़ों पर चढ़ना, बड़ा ही थका देने वाला काम है। परंतु बात यही हो जाती है कि रास्ता बड़ा है या आपका उत्साह। अगर उत्साह बड़ा है तो रास्ता छोटा पड़ जाएगा। तो हमारा उत्साह इतना बड़ा है कि रास्ता सच में पता नहीं चल पा रहा है। और ये अद्भुत दृश्य देखते हुए हम लोग जो है चल रहे हैं। पारस जो है अपनी नज़र वहाँ से हटा नहीं रहा है, उसको गंगा का प्रवाह, अलकनंदा का प्रवाह इतना मनमोहित कर रहा है कि वो हम कह भी रहे हैं कि इधर से चलो, पर वो इधर से ही जाने को तैयार है। तो यही रास्ते का आनंद है, दो लोग साथ में हैं बातचीत करते हुए, रास्ते का आनंद लेते हुए कोटेश्वर महादेव के दर्शनार्थ जा रहे हैं। ये इसका आगे वाला भाग तोड़ के पीछे वाला भाग निकाल के, बहुत एनर्जी भीतर ठंडक देता है, तो इसलिए इसको खाना चाहिए। इसको आप सुखा करके शरबत बना सकते हैं, तो चाय भी पी सकते हैं, बहुत ही एनर्जी देने वाला है। यह है कोटेश्वर महादेव मंदिर, ये उसका द्वार और यहाँ से जाने का रास्ता। कितना सुंदर दृश्य है, नीचे जो है अलकनंदा है और यहाँ से हमको नीचे जाना है। हमारे साथ साथ जो है हनुमान जी भी जा रहे हैं आगे आगे रास्ता दिखाने के लिए। पहाड़ों की तलहटी से ये सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ आकर के मन जो है सच में बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि कितने दिव्य जो है पहाड़ हैं, पहाड़ों के बीच में ही आए हैं। यहाँ जो है अलकनंदा है पीछे भी, और यहीं से जो है हम कोटेश्वर महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं। इधर पहाड़ों से उतर करके हम जो है आ रहे हैं कोटेश्वर महादेव के लिए। और जब हम यहाँ देख रहे थे, अलकनंदा के दर्शन कर रहे थे, तो हमें जो है कुछ माताएं और बहनें ये लकड़ी के लिए जाती हुई दिख रही हैं। लकड़ी या घास कुछ तो काट रही हैं, चाहे जंगली औषधि हो, लकड़ी हो, घास हो, पता नहीं। पर देखिए कि ये किस तरह से कार्य कर रही हैं और कितनी ऊपर है आप देख सकते हैं। यहाँ से किसी भी घर का रास्ता कैसे सुगम हो सकता है, अगर ऊपर घर में भी ये लोग रहते हैं तो कितने नीचे ये उतर कर आई हैं और किस तरह से ये मेहनत कर रहे हैं। तो संघर्ष इसे कहते हैं, हर व्यक्ति के जीवन का अपना एक संघर्ष होता है और वही संघर्ष उसको जो है सफलताएं प्रदान करता है। जय कोटेश्वर महादेव। ये है मंदिर का प्रांगण। हम कोटेश्वर महादेव मंदिर पहुंच चुके हैं, हमारे साथ साथ हनुमान जी भी जा रहे हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि शिवालय के साथ साथ जो वटवृक्ष है, यह साधारण सी बात है पर उस स्थान को असाधारण बना देने में यही एक बात सक्षम है।
और भगवान शिव के प्रिय पुष्प जो हैं कनेर के पुष्प, ये जो कनेर है कर्णिकार बोलते हैं संस्कृत में, तो कर्णिकार के पुष्प जो हैं यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं, तो वह भी लगे हुए हैं। ये प्रांगण है, अद्भुत प्रांगण है, आप देख सकते हैं। ये देखिए किस तरह से पहाड़ों के बीच में यह मंदिर है, और पहाड़ों से एकदम नीचे आना पड़ता है। अलकनंदा का स्पर्श अभी हमको लगता है प्राप्त हो जाएगा, तो यही वो स्थान है जहाँ कोटेश्वर महादेव विराजमान हैं। अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं। हनुमान जी अठखेली कर रहे हैं अपनी सखियों के साथ। कितना अद्भुत स्थान है ये, यही है कोटेश्वर महादेव शिवालय। और ये स्थान, ये शनि मंदिर है, ये जो दिख रहा है ना वो शनि मंदिर है। तो ये है वो स्थान, कितना रमणीक है। आप देखिए पहाड़ों के बीच में से जो ये धारा आती है, धारा कितनी मनमोहक लग रही है। और यही है शिवालय। कहते हैं कि भगवान शिव के पीछे पीछे जो है पांडव आए थे, भगवान शिव छुप रहे थे और पांडव उनको खोज रहे थे। तो यहाँ जो है भगवान शिव छिपे हुए थे, इसीलिए इस स्थान को कोटेश्वर कहा जाता है। और केदारनाथ में जाकर के भीम ने भगवान शिव को पकड़ लिया था, तो पीछे का भाग जो है वो केदारनाथ में है और आगे का भाग निकला था पशुपतिनाथ में। तो इसीलिए केदारनाथ की यात्रा और पशुपतिनाथ की यात्रा विशेष मानी जाती है। और यहीं से जब आप आएंगे तो ये है शिवालय का रास्ता, ये है अलकनंदा। और अलकनंदा के बीच में ये जो पहाड़ दिख रहा है, इस पर्वत के गुह्य स्थान पर है, इस पर्वत के बीच में है यहाँ शिवालय। तो ये देख सकते हैं छोटे छोटे झरने हैं लगे हुए हैं। अभी हम यहाँ से पानी भरने वाले हैं पीने के लिए, क्योंकि हमारा पानी का बॉटल भी खाली हो चुका है। कितना अच्छा लग रहा है। बोलिए कोटेश्वर महादेव की जय। ओम गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषितवाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम भज विश्वनाथम। ओम नमः शिवाय। ये है दिव्य स्थान, हम अंदर आकर के आपको दर्शन करा रहे हैं। बहुत ही मनमोहक है, यहाँ नंदी बाबा विराजमान हैं। और अंदर यहाँ जो है जहाँ दीप जल रहा है, यहाँ अगर आप देखेंगे हम थोड़ा सा लाइट करते हैं, तो ये है कोटेश्वर महादेव का स्थान। जय हो महादेव, ये है भगवान शिव का। जय हो महादेव, सबका कल्याण करें, सबकी रक्षा करें, संसार सुखी हो, निरोगी हो, यही आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे मित्र हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। बोले भूत भावन शंकर भगवान की जय, कोटेश्वर महादेव की जय, हर हर महादेव। यह है जीवन का परमानंद, यहाँ आकर के मन जो है प्रसन्न तो है ही, मन के साथ साथ आत्मा भी संतुष्ट हो रही है। लग रहा है कि जीवन का जो उद्देश्य है ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर के दर्शन करना, उनमें से कुछ उद्देश्य जो हैं वो पूरे हो रहे हैं धीरे धीरे। चाहते हैं कि
इसी तरह से सारा भारत दर्शन हो जाए प्रयास भी कर रहे हैं, परंतु पता नहीं हो पाएगा, संभव है या नहीं, क्योंकि क्षणभंगुर जीवन की कलिका, ना जाने प्रात खिले न खिले, पता नहीं कल की सुबह हो या ना हो। तो इसीलिए जहाँ हैं वहाँ का आनंद ले रहे हैं, और अभी कोटेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं आप हमारे पीछे। यहाँ पीछे जो है अलकनंदा है, बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थान है। मन भाव विभोर हो चुका है, कुछ कहते नहीं बन रहा है, क्या कहें। अभी हम क्या करेंगे कि कुछ हमारे जो मित्र बंधु बांधव हैं उनको फ़ोन लगाएंगे, वीडियो कॉल करेंगे और उनको भी दर्शन कराएंगे, क्योंकि कुछ घनिष्ठ लोग ऐसे हैं जिनको दर्शन कराने से ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ हैं और दर्शन कर रहे हैं। तो इसलिए अभी हम जो है वीडियो कॉल करेंगे। इतने बदमाश हो यार, तुम अकेले चले गए? रुको, हम भी आते हैं वहाँ। रुको रुको रुको, अलकनंदा का स्पर्श करने हम भी आते हैं। ये रुद्रप्रयाग में तो हो ही गया है, पर यहाँ से जो है ना, देखो ना कितना सुंदर लग रहा है। माँ का स्थान जो है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है। बॉटल नहीं लाए, भरना था, पीना था। बॉटल ऊपर रख दिया है। हाँ चलो मैं आता हूँ। यहाँ आकर के जो है सच में मन को बहुत शांति है। केवल और केवल अलकनंदा की धारा के आवाज़ आ रही है और कुछ आवाज़ नहीं आ रही। हमारा मित्र जो है थोड़ा ध्यान कर रहा है, क्योंकि आज एक बात का अनुभव हुआ कि ऐसे स्थानों को केवल देखने से लाभ नहीं है, ऐसे स्थानों में जा कर के थोड़ा ध्यान किया जाए, थोड़ा भजन किया जाए, उसका और भी ज़्यादा आनंद है। तो हमने आज अपने मित्र से कहा भी कि अब हम जहाँ भी जाएंगे 5 मिनट बैठ करके ईश्वर का ध्यान करेंगे, शांति से 5 मिनट संकीर्तन करेंगे भगवान के नाम का, और इसके बाद जो है हम वहाँ से प्रस्थान करेंगे। अगर भगवान के स्थान में जाएं और भगवान का नाम जप थोड़ा भी ना हो पाए तो स्थान में जाने का बहुत अधिक अर्थ समझ में नहीं आता है। तो यहाँ हम अभी भगवान का नाम जप करेंगे। मित्र हमारा ध्यान कर रहा है और हमारे लिए ध्यान थोड़ा कठिन हो जाता है, हमारा मन जो है एकाग्र नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों, ये बहुत बड़ी समस्या है। इस पर हम काम कर रहे हैं पर हमको उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं दिख रहा है। तो हम नाम जप और नाम संकीर्तन में अधिक मन लगाते हैं और वो हमें पसंद भी है। तो अभी हम जो है नाम जप करेंगे। भवन शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा। हरे हरे भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवा। हरे हरे भोले नमः शिवा। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय।
बोले भूतभावन शंकर भगवान की जय, मृत्युंजय महादेव की जय। कुछ स्थान जो है अपने आप में बहुत ही दिव्य होते हैं, रमणीक होते हैं। ये देखिए आप, यहाँ की छटाएं बहुत ही आनंदवर्धक है। ये यहाँ कोटेश्वर महादेव में ये आनंद बहुत ही अवर्णनीय है। और ऐसा नहीं कि यहाँ कोई आता नहीं है, जो जो भक्त नज़दीक रहते हैं वो आते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ जो ये अलकनंदा का पावन तट है, बड़ा ही मन को लुभाने वाला है। हमने अभी अभी आचमन किया है और संकीर्तन किया है, बड़ा ही मन को शांति प्रदान करने वाला है। आते आते सारी थकान मिट भी गई, और क्योंकि आचमन कर लेने के बाद जो है मन उस स्थान पर एक अपना भाव छोड़ देता है, तो हमें लगता है कि वो थकान का भाव ही है जो मन छोड़ करके आपको आगे चलने के लिए प्रेरित करता है। तो ये स्थान बहुत ही प्रिय लगा। अगर आप केदारनाथ की यात्रा में हैं अथवा रुद्रप्रयाग के नज़दीक हैं तो आप जो है कोटेश्वर महादेव अवश्य पधारिए, बड़ा ही सुंदर स्थान है। कोटेश्वर महादेव और अलकनंदा के इस पावन तट से हम आप सबके लिए स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, तो आप सब स्वस्थ रहें, जीवन में आनंद करें। इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह वीडियो कैसा लगा अपने मन के भाव नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बताएं। जय बद्री विशाल, जय केदार।